वॉरेन बफेट बोलते हैं कि हर इंसान थोड़ी बहुत तो गैम्बलिंग करना ही चाहता है, और ये इंपॉर्टेंट चीज मैं अपने बच्चों को भी सिखाना चाहता था। इसलिए 40 साल पहले मैंने अपने बच्चों के लिए एक स्लॉट मशीन खरीद ली और उसे अपने घर के थर्ड फ्लोर में रख दिया। अब होता यह था कि जब भी मैं अपने बच्चों से कोई काम करने के लिए बोलता था तो वो मुझसे पैसे मांगते थे। अब जब भी बच्चे मुझसे पैसे मांगते तो मैं उन्हें वो पैसे दे देता और अपना काम करवा लेता। फिर मेरे बच्चे मुझसे पैसे लेके थर्ड फ्लोर में जाते और उन पैसों को उन स्लॉट मशीन में डाल के गैम्बल करते, और फिर रात को जाके मैं वो पैसे निकाल लेता और अगले दिन दोबारा से उनसे काम करवाता और वो वही पैसे उन्हें दे देता, और ये चलता रहता। तो हमें से बहुत से लोगों के मन में ये सवाल तो होगा कि ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, दोनों ही लोग शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं, बस टाइम का ही तो डिफरेंस होता है, एक जल्दी बेच देता है और एक थोड़ा रुक कर। तो जो बेस्ट वे है ट्रेडर और इन्वेस्टर के बीच के कोर डिफरेंस को समझने का, वो ये है कि हम उसके पीछे के पीई को समझें। इसे हम बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग वे में बैंक का एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। देखिए, अगर बैंक में आज आप 100 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और अगर हमें बैंक 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है तो एक साल के बाद वो पैसे 110 रुपए हो जाएंगे। अब इस 110 रुपए में से 100 रुपए तो आपके ही थे, यानी आपकी अर्निंग जो हुई वो हुई 110 - 100 = 10 रुपए। तो इसी चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक साल में 10 रुपए की अर्निंग के लिए हमने 100 रुपए का प्राइस पे किया, यानी इस केस में प्राइस हो गया 100 और अर्निंग हो गई 10। इसका अगर हम पीई रेशियो कैलकुलेट करें तो वो आएगा प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स, व्हिच इज इक्वल टू 100 / 10 = 10। अब सवाल ये है कि ये तो पीई 10 आया है, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक साल में 1 रुपया कमाने के लिए हमें 10 रुपए देने पड़ेंगे, यानी 1 10 का नोट हमें 1 रुपए देगा, अगले 10 का नोट हमें 1 रुपए और देगा, और 1 और 10 का नोट हमें 1 रुपए और देगा, एंड सो ऑन। तो 100 रुपए में 10 के 10 नोट हैं और हर एक 10 नोट ने एक साल में हमें 1 रुपया कमा के दिया। अब इस इक्वेशन को हम किसी और तरीके से भी देख सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर को हम दूसरी साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बनेगा प्राइस इज इक्वल टू पीई इंटू अर्निंग्स। अब सबसे मजे की बात यह है कि जब तक बैंक का इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा उसका पीई भी सेम रहेगा, लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता, उसका पीई हमेशा चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम screener.in में जाते हैं और एशियन पेंट्स की कंपनी खोलते हैं और पीई का चार्ट देखते हैं तो रोज वो ऊपर और नीचे जाता रहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ये क्या है? बैंक का पीई 10 तो पूरे साल सेम रहा, लेकिन कंपनी के केस में पीई हर रोज चेंज क्यों हो रहा है, जबकि कंपनी की अर्निंग्स हमें 3 महीने के बाद पता चलती है, जब उसकी 3 महीने के बाद क्वार्टरली रिपोर्ट आती है। तो ऐसा क्यों? तो दोबारा से इस इक्वेशन को देखो। कंपनी का शेयर प्राइस 2 चीजों से बना है, पहला उसकी एक्चुअल अर्निंग्स, यानी कंपनी ने एक्चुअल में कितने पैसे कमाए, और दूसरा पीई, यानी सॉर्ट ऑफ पब्लिक का इमोशन क्या था। अब पीई को कई लोग इमोशंस बोलते हैं, कई मिस्टर मार्केट बोलते हैं, और कई बोलते हैं कि पब्लिक ऑप्टिमिस्टिक हो रही है या पेसिमिस्टिक हो रही है कंपनी को लेकर। इन शॉर्ट, अगर हम पीई की बात करें तो ये कहीं ना कहीं इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, और बस यही मेन डिफरेंस है एक इन्वेस्टर और एक ट्रेडर के बीच में। एक इन्वेस्टर हमेशा कंपनी की अर्निंग्स पर फोकस कर रहा है कि कंपनी की अर्निंग्स कैसे बढ़ेगी, कंपनी आगे नई नई जगह कैसे एक्सपैंड करेगी, नए नए कस्टमर्स कैसे लाएगी, यानी कि इन्वेस्टर हमेशा बिजनेस पर फोकस करता है। लेकिन एक ट्रेडर को कंपनी की अर्निंग से ज्यादा लेना देना नहीं है, उसका मेन फोकस है कि कंपनी से रिलेटेड न्यूज में क्या चल रहा है, ताकि वो बाकी ट्रेडर्स का इमोशन जान ले, जिससे ये पता चल जाए कि शेयर का प्राइस इंक्रीज होगा या नहीं, और इसके अकॉर्डिंग वो कॉल या पुट ऑप्शंस खरीदे। तो सबसे पहली हमारी लर्निंग ये है कि वैल्यू इन्वेस्टर्स का मेन फोकस अर्निंग पर है, लेकिन एक ट्रेडर का मेन फोकस ओवरऑल मार्केट मूड पर है या कोई ऐसी न्यूज पर है जिससे प्राइस कम या ज्यादा हो। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इन्वेस्टर्स ऑल्सो सी पीई एंड ट्रेडर्स ऑल्सो सी अर्निंग्स। इस पॉइंट का मतलब है कि इन्वेस्टर पीई यानी सॉर्ट ऑफ मार्केट के मूड को भी देखते हैं और ट्रेडर्स कंपनी की अर्निंग्स को भी देखते हैं। अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये तो पिछले पॉइंट का उल्टा होगा। तो आइए इसे सिंपल भाषा में समझते हैं। दोबारा से हम इस इक्वेशन को देखते हैं कि एक कंपनी के शेयर का प्राइस उसके शेयर की अर्निंग और उसके पीई से मिलकर बनता है। अब लेट्स से कि आप और आपका फ्रेंड दोनों वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं और दोनों एक कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं जिसका नाम है ABC प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के एक शेयर की अर्निंग 100 रुपीज है। आप दोनों ने इस कंपनी को एनालाइज किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि इस कंपनी की अर्निंग्स 2 साल में बढ़कर डबल हो जाएगी, यानी 100 रुपए पर शेयर से बढ़कर 200 रुपए पर शेयर हो जाएगी, और आप दोनों इस कंपनी के शेयर्स को खरीदने का सोचते हैं। आप इस कंपनी को तब खरीदते हैं जब लोग इसके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, जिसकी वजह से उसका पीई कम है और वो 10 चल रहा है, और आपका दोस्त थोड़ी लेट कर देता है, उस वक्त इसी कंपनी का पीई 20 हो जाता है। तो आती है बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, और वो ये है, आपने और आपके फ्रेंड दोनों ने इस कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करी और तब कंपनी के शेयर्स खरीदे जब इसकी अर्निंग 100 रुपए थी, लेकिन आपने शेयर तब खरीदे थे जब इसका पीई 10 था,
यानी आपका एक शेयर का प्राइस 100 × 10 इज इक्वल टू 1000 रुपीज था। बट अनफॉर्चुनेटली आपके दोस्त ने कंपनी के शेयर्स तब खरीदे थे जब बाकी लोग कंपनी को लेके एक्साइटेड हो गए थे, जिसकी वजह से उसका पीई 20 का हो गया था। यानी उसने वही शेयर्स विद सेम कंपनी फंडामेंटल्स 100 × 20 2000 रुपीज के खरीदे थे। अब 2 साल के बीच में शेयर्स का प्राइस बढ़ता भी है और कम भी होता है, लेकिन आपको पता है कि कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है, इसलिए आप दोनों उस कंपनी के शेयर्स नहीं बेचते। लेकिन अब 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, कंपनी की अर्निंग पर शेयर 100 रुपए से बढ़कर 200 रुपए हो गई है और पीई 20 ही है। आप दोनों इस सिचुएशन में शेयर बेच देते हैं क्योंकि आप दोनों को लगता है कि इस कंपनी की मैनेजमेंट चेंज हुई है और न्यू मैनेजमेंट पर आपको भरोसा नहीं है क्योंकि पहले उन लोगों ने बहुत स्कैम्स किए थे। तो आप दोनों हर एक शेयर को 200 × 20 इज इक्वल टू 4000 रुपीज के हिसाब से बेच देते हो। अब जरा देखते हैं आप दोनों के रिटर्न्स। आपने हर एक शेयर 1000 रुपए का खरीदा था और वो अब 4000 रुपए का हो चुका है, लेकिन आपके दोस्त ने हर एक शेयर 2000 रुपीज का लिया था और वो भी 4000 रुपीज का है, यानी आपका 4x रिटर्न है जबकि आपके फ्रेंड का 2x रिटर्न। इन शॉर्ट, सिर्फ पीई ने आपके रिटर्न्स को आपके दोस्त के कंपैरेटिवली 2 times ज्यादा कर दिया। अगर आपके और आपके दोस्त ने इस कंपनी में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो वो 40 लाख हो गए होते, लेकिन आपके फ्रेंड के 20 लाख। और यही रीजन है कि एक इन्वेस्टर पूरा फोकस अर्निंग्स पर करता है लेकिन पीई को अपने फायदे के लिए यूज करता है, यानी पीई कम है तो वो शेयर्स को खरीदना प्रेफर करेगा। वहीं अगर हम ट्रेडर की बात करें तो वो भी कंपनी की अर्निंग रिपोर्ट पर नजर रखता है क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कंपनी ने पिछले क्वार्टर में कहा था कि वो 2000 रुपए पर शेयर अर्न करेगी, लेकिन इस क्वार्टर की रिपोर्ट में अगर उन्होंने 2000 रुपीज पर शेयर से कम अर्न किए हैं तो पक्का लोग शेयर्स बेचेंगे ही बेचेंगे और शेयर्स का प्राइस कम होगा। और क्यों ना इस सिचुएशन को मैनिपुलेट करके इससे कुछ पैसे कमाए जाए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मैक्सिमम इन्वेस्टर्स वर ट्रेडर्स। तो बहुत से लोग राकेश झुनझुनवाला और विजय केडिया का रेफरेंस देते हैं कि ठीक है ये दोनों अभी तो बोल रहे हैं कि इन्वेस्टिंग करो ट्रेडिंग ना करो, लेकिन इन लोगों ने शुरू में तो ट्रेडिंग ही की थी जिससे उन्होंने कम पैसों को कम समय में ज्यादा कर दिया और फिर उन्होंने उस पैसों को इन्वेस्टिंग में लगाया। एंड यू आर राइट, क्योंकि हो सकता है कि 100% में से 99% लोग ट्रेडिंग में पैसा लूज करते हैं, लेकिन क्या पता आप ही वो 1% में से हो जो एक्चुअली पैसा कमाते हैं। इसलिए मैं आपको इस पॉइंट्स में डिफरेंट सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन दूंगा जिन्हें आप सुन सकते हैं और खुद के लिए डिसाइड कर सकते हैं कि आपने क्या करना है। सोर्स 1 है मोस्ट फेमस वर्ल्ड इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, जो बोलते हैं कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, यानी जुए की तरह है। अगर आप एक बार इससे पैसे जीत जाते हो तो आपको लत लग जाएगी और मोस्ट प्रोबेबली फ्यूचर में आप अपना पैसा लूज कर दोगे। डे ट्रेडिंग आई वुड से वेरी ऑफन वाज केम वेरी क्लोज टू गैम्बलिंग एज डिफाइंड। सोर्स 2, ग्रेट इन्वेस्टर्स विजय केडिया बोलते हैं कि ट्रेडिंग में कोई गारंटी नहीं है कि आपका पैसा 1 से 50 लाख हो जाएगा, लेकिन 2 मिनट में वो 1 लाख रुपए जीरो हो सकते हैं। पहला बात तो क्या कि कोई गारंटी नहीं है कि आपका 1 लाख 50 लाख हो जाएगा ट्रेडिंग करके हो जाएगा जी, बल्कि ट्रेडिंग में ये बात हो रहा है कि 1 लाख रुपए आपका 2 मिनट में स्वाहा हो सकता है। सोर्स 3, ये एक रिसर्च पेपर है जिसमें ब्राजीलियन इक्विटी फंड मार्केट को एनालाइज किया गया है, जिसका कंक्लूजन ये है कि 1% के करीब ट्रेडर्स ही एक्चुअल में पैसा कमा पाते हैं। इवन जब विजय केडिया से पूछा गया कि आपने खुद तो पहले ट्रेडिंग की है पैसे कमाने के लिए और अब आप बाकियों को मना कर रहे हैं तो ऐसा क्यों, तो इस पर उनका आंसर था कि देखो मैंने 10 साल तक ऐसी जिंदगी जी है जिसमें मुझे अपने माँ के गहने तक बेचने की नौबत आ गई थी और उसी से मेरी लर्निंग हुई है क्योंकि ट्रेडिंग से बेटर इन्वेस्टिंग है, और उन्हीं 10 सालों में मैंने सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस से डूज और डोंट्स को निकाला है। पहले मैं मेरी बात बता देता हूँ भैया, मैंने ट्रेडिंग करके पैसे कमाए तो 10 साल तक मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, मीटर सकने के ये करना ये नहीं, वो डूज और डोंट्स वहां से लेकर आया, कोई बताया नहीं कान के अंदर में, किसी ने समझाया नहीं कोई। तो अगर आप अपने 10 साल वेस्ट नहीं करना चाहते और अगर अपने डूज और डोंट्स किसी और एक्सपीरियंस्ड आदमी से सीखना चाहते हैं तो आप उनकी बुक से सीख सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म जिससे आप हिंदी में फ्री में बुक समरी सुन सकते हैं वो है गीगल एप्लीकेशन। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते तो आप फर्स्ट कमेंट या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप 180 फ्री बुक समरीज के अलावा पूरी की पूरी गीगल की लाइब्रेरी सुनना चाहते हैं तो सिर्फ आज के दिन एक ऑफर है, आप बुक 350 कूपन कोड यूज कर सकते हैं और 350 रुपीज का डिस्काउंट पा सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने मेनली 3 रीजन देखे ट्रेडर और इन्वेस्टर की मेंटालिटी के ऊपर। फर्स्ट पॉइंट में पहले हमने पीई इक्वेशन के बारे में समझा और फिर देखा कि इन्वेस्टर्स का मेन फोकस कंपनी की अर्निंग्स पर होता है और एक ट्रेडर का पूरा फोकस मार्केट के मूड पर होता है, यानी लोगों के इमोशंस पर। सेकंड पॉइंट में हमने एग्जांपल लिया था आपके और आपके फ्रेंड का कि अगर आप दोनों कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हो और अगर आप ये पता करते हो कि कंपनी की अर्निंग इंक्रीज होने वाली है
इसके बावजूद आपने ज्यादा पैसे कमाए क्योंकि आपने कम पीई में शेयर खरीदे थे। इसलिए इन्वेस्टर्स पीई को देखकर शेयर्स को खरीदना प्रेफर करते हैं ताकि उन्हें ज्यादा फायदा हो। और वहीं पर ट्रेडर्स भी अर्निंग की रिपोर्ट देखते हैं, लेकिन उनका मेन रीजन अगेन यही देखने में होता है कि अर्निंग से लोगों के इमोशंस में क्या फर्क पड़ेगा, और इसीलिए वो उससे होने वाले इमोशंस को प्राइस प्रेडिक्शन में यूज करना चाहते हैं। थर्ड पॉइंट में हमने ये डिस्कस किया था कि काफी सारे लोग ये पॉइंट देते हैं कि शुरू में हम अपने कम कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए ट्रेडिंग कर सकते हैं और बाद में बेशक इन्वेस्टिंग कर लेंगे, क्योंकि मेन दिग्गज जैसे कि राकेश झुंझुनवाला और विजय केडिया ने भी यही किया था, बेशक अभी वो कुछ भी बोले। तो एक्चुअल में ये ट्रू भी है, इसलिए मैंने सिर्फ ग्रेट इन्वेस्टर के थॉट्स आपके सामने रखे हैं। फाइनली तो हम सभी को खुद डिसीजन लेने हैं। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। और अगेन, अगर आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है। जय हिंद।